और मोमोज देखिए हमारे देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इस तरीके से हमारे मोमोज बने हैं, देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से, एकदम मार्केट वाले मोमोज हैं। ये देखिए इनकी फीलिंग देखिए, जो हमने अंदर से फीलिंग भरी थी, इनकी फीलिंग देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से। मैंने इस तरीके से टमाटर की चटनी है, टमाटर की चटनी के साथ में भी खा सकते हैं इस तरीके से। और ये मेयोनीज वाली चटनी है, और इस तरीके से आप ये मेयोनीज वाली चटनी के साथ में भी इन्हें सर्व कर सकते हैं। ये देखने में जितना लाजवाब है, खाने में उतना ही ज़्यादा। आप भी घर पर इस तरीके से एक नई तरीके से मोमोज घर पर बनाएं, और ये मोमोज हमने किस तरीके से बनाए हैं ये आप आगे वीडियो में ज़रूर देखें, और वीडियो में ऐसे ही जुड़े। और सबसे पहले हम यहाँ पे मोमोज की फिलिंग तैयार करेंगे। पत्ता गोभी और गाजर को हम अच्छे से कद्दूकस कर लें। अगर आपके पास में चॉपर है तो आप इसे अच्छे से चॉपर में बारीक से चॉप कर सकते हैं, और दूसरा इसका इजी तरीका है कि आप इसे अच्छे से कद्दूकस भी कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें ये देखिए कद्दूकस से भी देखिए किस तरीके से एकदम परफेक्ट तरीके से बारीक चॉप हो गया हमारे यहाँ पर पत्ता गोभी और गाजर को, देखिए हमने इस तरीके से बारीक चॉप करके रखा है। अब हम इसे एक ही जार में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें हल्का सा थोड़ा सा नमक डाल के, और इसका हम सारा जितना भी पानी है, मॉइस्चर है, सारा निकाल लेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें यहाँ पे नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरीके से हमें एक सूती कपड़ा लेना है, और सूती कपड़े में इस तरीके से हम इसे, और इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे। और देखिए इस तरीके से हमें इसका सारा पानी निकाल लेना है। और इसका जो ये पानी है इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे वेस्ट नहीं करना है, इसे हम जो मोमोज के लिए हम मैदा का आटा गूंदेंगे उसमें ये काम आएगा, इसे फेंकना नहीं है। एकदम परफेक्ट तरीके से हमने इसका सारा पानी निकाल लिया है। थोड़ा सा भी इसमें पानी नहीं है, क्योंकि इसमें अगर पानी रहेगा तो हमारे मोमोज की जो फिलिंग बनेगी वो थोड़ा सा गीली गीली सी बनेगी। और इस तरीके से देखिए हमें सारा पानी निकाल देना है, और अब जो हमारा मोमोज के लिए फिलिंग बनेगी वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगी। ये देखिए सारा पानी इसका निकाल। और यहाँ पर हमने लिया एक पैन, अब पैन हमारा गर्म हो गया, और अब हम इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। मोमोज की जो फिलिंग है उसे हम बटर से फ्राई करेंगे। और यहाँ पर हमने लिया है ये दो लहसुन है बारीक कटे हुए, और थोड़ा सा लाई लाई का तड़का लगाएंगे। और अब हम ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर और पत्ता गोभी को अच्छे से हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। और चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया ये हाफ स्पून लाल मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर, और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक। और देखो फिलिंग हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसे अलग से एक बाउल में निकाल लें, और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हमने यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग तैयार हो गई, और अब हम इसे अलग से साइड में रख देंगे, और अब हम करेंगे बाकी का काम। और यहाँ पर हमने लिया एक जार, और जार में हम ऐड करेंगे ये मैदा है, वन बाउल मैदा, मैदे को ऐड करेंगे। और मैदे में हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करेंगे। इसमें जो हमने गाजर और मूली में से थोड़ा पानी निकाला हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके उसे ऐड करेंगे। इसे वेट नहीं करेंगे, इसी में हम इसे ऐड कर लेंगे। इसका सारा विटामिन इसमें ही आता है, इसका विटामिन हमें इस तरीके से वेस्ट नहीं करेंगे। और एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा डो बन के तैयार हो गया है, और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हमने यहाँ पर इस तरीके से कद्दूकस किया हुआ चीज़ है, चीज़ ऐड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा हट के मोमोज बना रहे हैं, और हम इसके फिलिंग जो बनाएंगे वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाएंगे, और एकदम हट के बनाएंगे। ये वेज मेयोनीज है, थोड़ा सा मेयोनीज को भी ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा मोमोज के लिए फिलिंग हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो गई, एकदम अलग तरीके से। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसमें मेयोनीज और थोड़ा सा हमने यहाँ पे चीज़ भी डाला होगा, जिससे कि जो हमारे मोमोज बनेंगे वो एकदम लाजवाब और एकदम स्वादिष्ट बनेंगे, क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं तो इन्हें एकदम अलग तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट बनाएंगे। और अब ये देखिए हमारा डो यहाँ पर सेट हो गया। अब हम यहाँ पर इसकी छोटी छोटी सी लोई बनाएंगे, और इन्हें बेलना शुरू करेंगे, छोटी छोटी सी लोई बनाएंगे। और देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमें बेलना है, ये देखिए इनके चारों तरफ जो परत है एक समान होनी चाहिए, और इस तरीके से छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, हमने यहाँ पे इतने बड़े बना रखे हैं। और सभी को हम इस तरीके से बेल लेंगे, और उसके बाद में हम इसमें मसाला भरेंगे। इस तरीके से हमने सारे लोइयों को इस तरीके से हमने पट्टा तरीके से बेल लिया है, और अब हम इनमें अच्छे से फिलिंग करें।
इसे हमें इसके अंदर ये फिलिंग को इस तरीके से भरना है और हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके इतना मसाला लेना है, क्योंकि घर पर बना रहे हैं तो एकदम अच्छे से बनाएंगे और तो एकदम लाजवाब बनाना है। इस तरीके से हम इसका अच्छे से हम इसे फिलिंग भरें। थोड़ा सा इस कटोरी में हमें इस तरीके से थोड़ा सा पानी लेना है और इसके चारों तरफ हमें इस तरीके से जैसे गुजिया में बनाते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सा इसमें इस तरीके से चारों तरफ इसमें पानी लगा, जिससे कि जो हमारी इसकी जो फिलिंग है वो खुलेगी नहीं। और हमें इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हमें इसे बंद करना है। और देखिए दोस्तों एकदम परफेक्ट तरीके से इस तरीके से हमें मोमोज बनाने हैं। सारे मोमोज में हमें इस तरीके से फिलिंग करना है। ये देखने में इतना लाजवाब लग रहा है और ये स्टीम करने के बाद में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट देखने में और भी ज़्यादा बढ़िया लगेंगे और एक खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। इस तरीके से हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से भी इस तरीके से हमने इसमें चीज़ भर लिया और चारों तरफ इसका थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा के और अब हम इस तरीके से जैसे हमने इस तरीके से हमने ये मोमोज बनाया है इसी तरीके से हम और जितने भी और इस तरीके से हमने ने सारा इस तरीके से हमने सारे लोहे को हमने इस तरीके से इसमें मसाला भर के तैयार कर लिया है। इसकी फिलिंग भर के हमने इस तरीके से सारे तैयार कर लिया है और अब हम इन्हें अच्छे से स्टीम करते हैं। इस तरीके से अगर आपके पास में स्टैंड है तो आप इस तरीके से स्टैंड रख सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नीचे से एक बाउल रख कर और इसे ढक्कन लगाकर ऊपर से भी जाली वाला अगर आपके पास में है तो उस तरीके से भी रख सकते हैं। और देखो इस तरीके से हमें इन्हें स्टीम करना है और अब हम इसे ऊपर से हल्का सा ढक देंगे, ढक के रख देंगे और ढकने के बाद में 5 मिनट में ही हमारे मोमोज बन के तैयार हो जाएंगे। और 5 मिनट हो गए, अब हम चेक करेंगे कि हमारे मोमोज बन के तैयार हुए और देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारे मोमोज बन के तैयार हो गए और अब हम इन्हें अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया और अब इन्हें हमें अलग से प्लेट में निकालें। इसी स्टेज पर हम गैस को कर देंगे बंद। अब हम करेंगे मोमोज के लिए चटनी की तैयारी। मिर्च को हमने पहले से भिगो के रखा हुआ था और अब हम इसे थोड़ा सा हल्का सा उबालेंगे और इसके सारे छिकल को हम अच्छे से टमाटर और मिर्च को इस तरीके से थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देंगे और 2 मिनट में ही हमारा जो टमाटर है वो हल्का सा उबल जाएगा और उसके छिलके हम अच्छे से निकाल देंगे। और 2 मिनट में ही हमारे टमाटर उबल गए हैं, उबल के तैयार हो गए। और देखिए इस तरीके से हमने टमाटर के सारे छिकल निकाल लिए और अब हम इसे अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। इसी में हमने टमाटर को अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया है। हमारा पानी यहाँ पे उबल गया है और हम यहाँ पे रखेंगे एक बाउल और इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और अब हम इसे इस तरीके से ढक के रखेंगे। 5 मिनट हो गए और अब हम चेक करेंगे कि हमारे मोमोज बन के तैयार हो गए हैं। और एकदम परफेक्ट तरीके से हमारे मोमोज बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए एकदम फूले फूले से और एकदम इनका कलर देखिए चेंज हो गया। और ये इडली वाला स्टैंड है, इडली वाले स्टैंड में इस तरीके से हमने मोमोज को इस तरीके से हमने इसके ऊपर रखा था और मोमोज हमारे देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो गए। देखिए एकदम गोल्डन कलर देखिए किस तरीके से आया और देखिए पानी कैसे उबल रहा है। इस तरीके से आप पानी के ऊपर, ये देखिए हमने एक बाउल रखा है और बाउल के ऊपर हमने रखा है ये इडली वाला स्टैंड है हमारे पास में, ये स्टैंड है हमारे पास में। स्टैंड के ऊपर हमने इस तरीके से मोमोज को रखे हुए थे और ये मोमोज देखिए एकदम फूल के देखिए कितने बड़े हो गए। और अब इसी स्टेज पर हम गैस को कर देंगे बंद और इन्हें अलग से प्लेट में निकाल। और यहाँ पर हमने लिया पैन, पैन हमारा गर्म हो गया और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। पहले हमारा गरम हो गया और अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर स्पून लाई है, लाई का तड़का लगाएंगे और 2 से 3 यहाँ पर हमने लहसुन को बारीक चॉप करके रखा हुआ था, लहसुन का तड़का लगाएंगे। और देखिए लाई हमारी अच्छे से तड़कने लगी है और लहसुन भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो टमाटर को हमने अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड किया था। स्वादानुसार यहाँ पे नमक ऐड करें, चटपट आपको पसंद है उतना ही नमक मिर्च यहाँ पे आप ऐड करें। 2 मिनट हो गए और 2 मिनट में हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हमारी चटनी, 2 मिनट हो गए और हम ढक्कन हटाएंगे और देखिए चटनी बनके हमारी तैयार हो गई और ये मोमोज वाली चटनी हमारी बनके
तैयार हो गई है और अब इसी स्टेज पे हम गैस को कर देंगे बंद, और इसे ठंडा होने देंगे और इसे अलग से जार में निकाल। और देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारे मोमोज बनके तैयार हो गए। और यहाँ पे मोमोज के लिए हमारी टमाटर की चटनी और यहाँ पे हमने थोड़ा सा मेयोनीज वाली चटनी बनाई है, दो प्रकार की चटनी बनाई है। पर आप भी घर पर इस तरीके से मोमोज बनाएं, घर पर वेज मोमोज हैं और इस तरीके से चटनी बनाएं और घर आए मेहमानों को खिलाएं, अब परिवार वालों के साथ में भी खाएं और घर आए मेहमानों को भी खिलाएं और मेहमान भी आपके बहुत ही खुश होंगे कि किस तरीके से आपने घर पर ये वेज वाले मोमोज बनाए हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से एकदम गोल्डन कलर में देखिए किस तरीके से बने हुए हैं। आपको हमारी आज की मोमोज की रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी मेहनत और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना। और देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारे मोमोज बनके तैयार हो गए और आप भी घर पर इस तरीके से वेज मोमोज बनाएं और पूरे फैमिली वालों के साथ में एंजॉय करें और घर आए मेहमानों को भी खिलाएं। आज की रेसिपी में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ में।